तो दोस्तों ये है नेटगियर का वाईफाई एक्सटेंडर, वाईफाई एक्सटेंडर कह लो या फिर रिपीटर कह लो। लुक तो काफ़ी अच्छा है इसका देखने में, देख रहे हो ना आप, जैसे कि स्क्वायर वाइट कलर का, प्रीटी लग रहा है, प्रीटी लड़कियों वाले सब बोल रहा हूँ मैं। अच्छा काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेक्सी, हाँ वही समझो, वही लग रहा है। तो ना दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले इसकी परफॉर्मेंस भी तो देखी जाए, तभी तो उसे सुंदर बताएंगे यानी अच्छा बताएंगे। तो दोस्तों मैं हूँ अमन डैगोर एंड वेलकम टू क्रॉकटेक। तो क्या हाल है? तो दोस्तों इसे कॉन्फ़िगर करने की इंस्ट्रक्शन इसी में दी हुई थी, तो उसी को देखकर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक्सटेंडर जो है इसे कनेक्ट करेंगे। जो इसका डिफ़ॉल्ट नेम आता है नेटगियर अंडरस्कोर EXT एक्सटेंडर, इसी से पता चलता है कि हाँ ये एक्सटेंडर है। तो जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है, और कनेक्ट करने के लिए इसमें कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट टाइम ये, और ये ओपन होती है ये SSID इसकी, तो ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे wifi-fix.net ये डालेंगे, तब भी नेटगियर एक्सटेंशन का होम पेज खुल जाएगा, नहीं तो आप डालेंगे 10.0.0.1 इससे भी नेटगियर खुल जाता है। ठीक है, पहले तो जो मेरे को पता था पहले से 192.168.1.1 इससे डाल के देखा, तो इससे तो खुला नहीं। फिर इसमें डाला मैंने 10.0.0.1, नेटगियर 10.0.0.0.1 से खुल जाता है। ठीक है, तो इसका होम पेज कुछ इस तरह से आया है, जैसे नेटगियर और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू नेटवर्क सेटअप। इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट अकाउंट में इसका एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। ये बैक करके बार बार क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पहले इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो कस्टमर को चाहिए, एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड, रिपीटर के एडमिन का, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो आप एज योर विश। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, कस्टमर ने बताया कि मेरा नाम अभय है, मैं कहे ठीक है अभय ही डाल देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड abhay@123। फिर इसमें है दो क्वेश्चन पूछता है, कि पहला क्वेश्चन होता है कि आपने नेटगियर का पहला इंस्ट्रूमेंट क्या ख़रीदा था, तो हमने उसमें राउटर लिख दिया। और दूसरा क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड होता है, जैसे कि पहले दोस्त का नाम या यंगर सिस्टर का नाम या माता पिता का नाम, इस तरह का दो क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। कोई सबसे पहले तो यही है कि कौन सा आपने प्रोडक्ट फर्स्ट ख़रीदा नेटगियर का, तो कुछ भी डाल सकते हो। वैसे तो राउटर ही होते हैं नेटगियर के, और क्या होता है, राउटर होता है, रिपीटर होते हैं, इसके अलावा तो कुछ देखा नहीं मैंने। और दूसरा क्वेश्चन फैमिली या फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड होता है, जैसे अपने दोस्त का नाम, नहीं तो माता पिता का नाम, या फिर अपने सिस्टर का नाम, इस तरह का, तो वो भी उसका भी आंसर दे दिया हमने। कस्टमर से पूछ के ही दिया है, अपनी तरफ से नहीं दिया, उन्होंने जो बताया था हमें, अपनी सिस्टर का नाम बताया था उन्होंने, तो वही नाम हमने डाल दिया इसमें। अमृता।
आर ए नहीं नहीं एम आर ए टी एच ए क्या क्या ए एम आर आई 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 टी ए टी एच ए टी एच ए अमृता हो गया नेक्स्ट। तो इसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं इसे मैन्युअली कनेक्ट करूँगा या फिर ऑटोमेटिक, तो मैन्युअली पे क्लिक किया मैंने। मैन्युअली पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट सेटअप, स्मार्ट सेटअप पे जैसे हम जाते हैं तो उसमें दोनों बैंड दिखाते हैं हमारे पास 2.4G और 5G, और 2.4G में वही SSID आएंगी, 2.4 में 2.4G की ही SSID आएंगी और 5G में 5G की SSID आएंगी। तो आप 5G को 5G बैंड से एक्सटेंड कर सकते हो और 2.4G को 2.4 से एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसमें दोनों बैंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जो पहले जो राउटर मेन राउटर जो ऑप्टीलिंक का लगा हुआ है उसकी SSID एक तो है अभय _5G, दूसरा अभय _2.4G। तो ये दोनों सेलेक्ट करके मैंने यह नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद इन दोनों SSID का पासवर्ड डालना है, 2.4G का और 5G का। मैंने यहाँ दोनों का सेम पासवर्ड डाल रखा था तो दोनों में सेम डाल दूँगा, आपने अलग अलग डाल रखा हो तो आप अलग अलग डाल देना। तो यहाँ पे यूज़र नेम में तो पहले से हमने सेलेक्ट कर ही लिया है, अब पासवर्ड को डालना है। पासवर्ड खैर आपको दिख ही गया होगा, चील की निगाह है आपकी, पासवर्ड दूसरों का देख ही लेते हो, वैसे भी क्या कर लोगे देख के, ये चला तो पाओगे नहीं भाई जी। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। अब ये थोड़ी देर घूम रहा है, घुइयाँ। तो पासवर्ड डाल दिया, अब इसमें मेरे पास शो हो गया कि ये एक्सटेंडर बन चुका है। तो अब इसमें SSID आएगी, अब है पता नहीं क्या आएगी, देखते हैं, अब है नाम से ही आएगी। पासवर्ड दोनों का सेम होगा, क्या पासवर्ड भी मैनुअली आप कर सकते हो लेकिन मैंने किया नहीं। जो डिफ़ॉल्ट जो इसका मेन राउटर का जो पासवर्ड था ना मैंने वही रहने दिया। तो अब ये हो चुका है, ज़्यादा देर वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, वापस सेटिंग पे जाओ और कनेक्ट करो अब इसे। तो इसमें दिखा रहा है अब है _5G और अब है _2.4G। जो एक्सटेंडर बना है वो उसमें दिखा रहा है अब है _2.4G_2GX एक्सटेंडर और 5G का 5G एक्सटेंडर। ये राउटर यहाँ लगाया मैंने, मतलब दोनों की SSID अब मेरे पास यहाँ शो हो रही है, जो नेटगियर का रिपीटर जो अभी ऑन कर रखा है और इस पर नेट चल चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाई। हाँ तो ये कनेक्ट कर लिया, अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। और भाई वो परफॉर्मेंस देखते हैं टाइम क्या बताऊँ, कस्टमर के सामने ही ऐसी झंड हुई है ना, बेइज्जती बहुत बड़ी बेइज्जती फील हुई थी मेरे को, आप ही देख लो। मतलब नेटगियर ने नाम डुबा दिया, क्या सोचा था और क्या निकला आप खुद देख लो। देखिए ये दोनों SSID ये आपके राउटर का है, हाँ जो ये राउटर वाइट वाला लगा हुआ जी, ठीक है। और ये दोनों SSID नीचे वाला एक्सटेंशन, हाँ लास्ट में एक्सटेंशन लिखा हुआ ना, हाँ जी, ये आपके वाईफाई नेटगियर का है, नेटगियर का, हाँ ओके। इसे आप कहीं भी लगा दो, हाँ ये दोनों आएगा, ठीक। आप इसे कनेक्ट करो, जैसे मान लीजिए 5G कनेक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड सेम अभी @123 है, अब है @123 शो करके देख लेते हैं, ठीक है दोनों कनेक्ट।
कनेक्ट हो गया आपका रिपीटर कनेक्ट हो गया इसमें। अब ये एक्सटेंशन में कनेक्ट हुआ है? हाँ, मेन राउटर में नहीं। मेन राउटर में नहीं, इसमें कनेक्ट हुआ। ओके, और एक चीज़ और, इसे चलाना है तो ये ऑन होना चाहिए। हाँ, ये इसमें पावर है। हाँ, क्योंकि ये इसको दे रहा है इंटरनेट, ये आपको दे रहा है इंटरनेट। ये यूपीएस में पावर दे सकता है इसका? हाँ, दे सकते हो। क्योंकि अगर बिजली का प्रॉब्लम हो तो चलते रहेगा ना। हाँ हाँ, तो अभी हम इसमें ना स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक, पहले तो कल तो 87 था ना? हाँ, 87 था, और इन्होंने किया था 200 mbps का प्लान। हाँ, है ना। हाँ, तो 5G पे अभी देखते हैं कितनी आ रही है। जी, मेन राउटर से चेक किया था तो 200 से ऊपर आ रही थी, अब 10 भी नहीं पहुंच रही है। बहुत ही बेइज्जती फील हुई थी, अब क्या बताऊँ। ये स्पीड टेस्ट देखने के बाद मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और भाइयों, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार। अब कुछ